सो गाइस, बिग बॉस के घर के अंदर ऐसा दिख रहा है कि एक तरफ दो लोगों के बीच में रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो दूसरी ओर दो दोस्तों के बीच में अब दरार आ रही है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हो रहा है घर के अंदर। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं अविनाश और एलिस की। जब से अविनाश, एलिस और ईशा घर के अंदर आए हैं, इन तीनों की दोस्ती काफी बढ़ गई थी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि अविनाश और ईशा, इन दोनों के बीच में एलिस कहीं खोई हुई नजर आ रही है। और कल जब एलिस का बर्थडे था, तब एलिस ने अपने दोस्तों को कहा था कि आज सभी व्हाइट पहनेंगे। सभी लोग मान जाते हैं सिवाय अविनाश को छोड़ के। अविनाश कहता है कि मैं उसका क्यों सुनूंगा, मुझे उससे मिलकर कितने दिन हुए हैं तो मैं उसका क्यों सुनूं, और मैं आज व्हाइट नहीं पहनूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर एलिस का बर्थडे बनाने नहीं आया, मैं यहाँ पर गेम खेलने आया हूँ। जिसके बाद फिर ईशा कहती है कि देख, आज उसका बर्थडे है, प्लीज आज के दिन मान जा, और आखिरी बार कह रही हूँ प्लीज आज उसको नाराज मत कर, इसके बाद फिर मैं तुझसे कभी नहीं कहूंगी। जिसके बाद फिर जैसे तैसे अविनाश मान जाता है, मगर अब ऐसा लगने लगा है कि अविनाश एलिस के साथ अपनी दोस्ती रखना नहीं चाहता। तो दूसरी ओर करणवीर और चुम, इन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ रही हैं, क्योंकि खुद बिग बॉस ऐसा चाहते हैं। और पिछले तीन दिनों से चुम और करणवीर एक जैसे ही कपड़े पहन रहे हैं, एक ही रंग के, और इस बात को बिग बॉस ने भी नोटिस किया और कल कहा कि करण, आप तो वही पहनते हो जो चुम पहनती है। और बिग बॉस की बातें सुनकर करण का चेहरा ब्लश करने लगा और वो काफी मुस्कुरा रहा था। तो दूसरी ओर चुम भी थोड़ा बहुत ब्लश कर रही थी, और ये क्लियरली नजर आ रहा था कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ केमिस्ट्री पकड़ी है। सो गाइस, क्या आप चुम और करण को एज अ कपल घर के अंदर देखना पसंद करोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।